गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कविता मैम, आपकी संस्कृत की टीचर। बच्चों, आज द्वादश पाठ, 12 पाठ गुरु भक्त आरुणि पाठ में समझाने जा रही हूँ। प्राचीन काले एकस्य नद्या तटे गोधौम्य नाम एक ऋषि अवसत। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे धौम्य नाम के ऋषि रहते थे। तस्य आश्रमे सहस्र छात्रा विद्या अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म। उनके आश्रम में हजारों छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। ते छात्रा आश्रमस्य छात्रावासे निवसन्ति स्म। वे छात्र आश्रम के छात्रावास में जहाँ छात्र रहते हैं उसे छात्रावास कहते, वहाँ रहते थे। तेषु छात्रेषु आरुणी अपि एक छात्रा असी। उन छात्रों में आरुणी भी एक छात्र था। आरुणी धौम्यस्य शिष्येषु अति सौम्य विनम्र सरल हृदयस्य आसीत्। आरुणी धौम्य ऋषि के शिष्यों में बहुत ही ज़्यादा सौम्य विनम्र और सरल हृदय का था। सर्वदा गुरु आज्ञा पालयती स्म। वह हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करता था। आश्रमस्य पशुनाम चारणम रक्षणम वृद्धानाम सेवा आश्रम बटुकानाम सहायता च तस्य मुख्य कार्याणि आसन। आश्रम के पशुओं को चराना, विचरण कराना, उनकी रक्षा करना, वृद्धों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और आश्रम के जो बटुक होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, उनकी सहायता करना उसका मुख्य कार्य था। एकदा नभ मेघे आच्छादितम भवत। एक बार आकाश में बादल छाए हुए थे। शीघ्र च धारा सारे वृष्टि आरब्धा और तुरंत ही मूसलाधार वृद्धि वृष्टि वर्षा होने की संभावना थी। सर्वे छात्रा गुरु आदेशा छात्रावासम प्रति अधावन। सभी छात्र गुरु की आदेश को सुनकर आदेश का पालन करने के लिए छात्रावास की तरफ दौड़े। तदा गुरु आरुणी आयत आदिशत च। तब गुरु आरुणी को बुलाकर आदेश दिए वस्तुत्वम शीघ्र गत्वा क्षेत्रात। बेटा, तुम शीघ्र खेतों में जाओ। जल प्रवाहम बहिर्गमनात् अवरोध। और जल प्रवाह को वहाँ आने से रोको, खेतों में आने से रोको। आरुणी गुरु आज्ञाम स्वीकृत तथा कर्तुम क्षेत्रम अगच्छत। आरुणी गुरु की आज्ञा को स्वीकार करने के लिए खेतों पर गया। तत्र च भग्नम मृतिका बंधन पुनः दृढ़म कर्तुम अतयत। वहाँ पर उसने मिट्टी का पुल, छोटी सी दीवार बनाई, मेड़ बनाई और बार बार बना रहा था और वो बार बार भग्न हो रही थी, टूट रही थी। परम जल वेग मृतिका न अवरुद्ध। परंतु वो जल का वेग इतना ज़्यादा था कि वो मिट्टी उसको नहीं रोक पा रही थी। आरुणी आरुणी बहुत चिंतित हुआ। गुरु आज्ञा कथा सफला भवेति। उसको लगा कि मतलब गुरु की आज्ञा कैसे सफल हो सकती है। इति विचार्य स निज शरीर में बंध स्थाने अस्थापयत। उस यह विचार उसके मन में आया कि वह खुद ही उस जगह पर जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पर अपने शरीर सहित वह खुद ही वहाँ पर लेट के उस मेड़ बना ले। दिवसो रजन्या परिवर्तित। और ऐसे करके रात का दिवस परिवर्तित हो गया। रात्रो यदा धौम्य छात्रेषु आरुणि न अपश्यत। रात में धौम्य ने उनको उसको आरुणि को छात्रों के बीच में नहीं देखा। तदा सब बटुकान अप्रच्छत। उसने सभी बटुकों से पूछा, वहाँ के शिष्यों से पूछा, आरुणि कुत्र अस्ति, आरुणि कहाँ है। एक छात्र अवदत्। एक छात्र बोला, गुरुजी भवान एवं तम क्षेत्रे जलम अवरुद्धम प्रेषयत्। महोदय, आपने ही उसको खेतों में जल को रोकने के लिए भेजा था। अनेन धौम्य आरुणि विषय अति चिंतित अभवत। और
फिर उद्धव में ऋषि जो है आरुणि के विषय में बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, उनको चिंतित हुए। स शीघ्र शिष्य स क्षेत्रम प्रति अगच्छत, और वह तुरंत ही शिष्यों के साथ खेतों की ओर गए। मृतका लिप्त देहस्य निज प्रिय शिष्यस्य गुरु भक्ति दृष्टवा स अतीव प्रसन्न अभवत्। मिट्टी में लिपटे हुए शरीर से अपने प्रिय शिष्य को देखकर और उसकी गुरु भक्ति को देखकर वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। यत आरुणी ने देहन बंधन धृण कृत्वा आश्रमस्य शंसस्य रक्षाम अकरोत, और आरुणी ने अपने देह की अपने शरीर की मेड़ बनाकर पाने को रोकने का प्रयास किया, और उसने आश्रम की और आश्रम की फसलों की खेतों की रक्षा की। प्रसन्न भूत्वा गुरु आशीर्वाद अयच्छत, और प्रसन्न होकर गुरु ने आशीर्वाद दिया, पुत्र विद्वान भव, पुत्र विद्वान हो, महान हो, विद्वान हो। आरुणि गुरु आशीर्वादेन विद्वान भूत्वा संसारे प्रसिद्ध अभवत। आरुणि गुरु के आशीर्वाद से विद्वान हुए और पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु की भक्ति और बड़ों का आशीर्वाद यह हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ मोड़ देगा और हमें कितना ज्ञान और प्रसिद्धि और प्राप्त होगी, और हम पूरे लोक में संसार में प्रसिद्ध उनके आशीर्वाद से होते हैं। धन्यवाद।